नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 29, जो कि बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। तो देखिएगा, प्रीवियस क्लास के अंदर अपने चल रहा था मेंस्ट्रुअल साइकिल, चक्कर चल रहा था, क्या चल रहा था? मेंस्ट्रुअल साइकिल या रज चक्कर। तो रज चक्र की मैंने बताई थी चार अवस्थाएं होती है, या 28। पहली बात तो ये बताई थी आपको, ये 28 दिन का होता है और इसकी चार अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था थी अपने कौन सी, ऋतुस्राव अवस्था या रक्तस्राव अवस्था, जिसमें योनिमार्ग से रक्त का क्या है फ्लो होता है, जो 1 से 5 दिन की अवस्था है। दूसरी अवस्था थी प्रचुरोध भवन अवस्था, या जिसको प्रोलिफ्रेटिव स्टेज भी कहते हैं, या पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था भी इसको क्या कहते हैं कहा जाता है, या पुट के प्रसारण अवस्था भी इसको कहा जाता है। वो 6 से 13 दिन तक होती है, यानी कि 6 से 13 दिन तक पुटक प्रसारण अवस्था पाई जाती है। अब पुटक प्रसारण अवस्था में आपको बताया था कि इस दौरान जो प्रीमोडल पुटक है वो वेजिकुलर पुटक, वेजिकुलर पुटक के फिर आगे किस में चेंज हो जाता है, अपने प्रीमोडल पुटक प्राइमरी पुटक में, प्राइमरी पुटक वेजिकुलर पुटक में, वेजिकुलर पुटक ग्राफीन पुटक में चेंज होता है। ग्राफीन पुटक जो होता है अंडाशय का अंतिम परिपक्व पुटक होता है, इसकी खोज ग्राफी ने की थी। अब बताया था आपको कि 6 से 13 दिन तक ये अंडाशय के अंदर ये घटनाएं होती हैं, और साथ में मैंने बताया था कि जैसे जैसे वेजिकुलर पुटक और ग्राफीन पुटक जब बनता है, तो ग्राफीन पुटक जो होता है उसके, कल मैंने संरचना भी आपको डायग्रामेटिकली समझाई थी कि ग्राफीन पुटक जो होता है वो परिपक्व पुटक होता है, उसके अंदर जो है दो लेयर बन जाती है पुटक कोशिकाओं के अलावा, थिका इंटरना और थिका एक्सटर्ना, दो लेयर बनती है, आपको बताया था ये बात। तो जो थिका इंटरना और थिका एक्सटर्ना जो लेयर होती है, उसमें से जो अपने थिका लेयर होती है, इसमें से थिका जो एक्सटर्ना होती है वो बाहर की परत होती है, और थिका जो एक्सटर्ना जो है वो एक प्रकार से सुरक्षा का कार्य करती है, और थिका जो इंटरना जो होती है, या थिका इंटरना की जो ग्रेनुलर कोशिकाएं या पुट्टक कोशिकाएं होती है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव करती है। वही एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय के पुट्टक कोशिकाओं के द्वारा बन तो रहे, परंतु वह एस्ट्रोजन हार्मोन अपना कार्य कहाँ करता है, गर्भाशय में जाकर के, और गर्भाशय के अंदर जो उपकला कोशिकाएं और जो ब्लड वेसल्स टूट रही थी, अब उनका टूटना बंद होकर के क्या हो जाता है कि उनका कोशिका विभाजन की दर बढ़ जाती है। तो विभाजन की दर जैसे बढ़ती है, तो जिसके कारण जो कोशिकाएं टूट रही थी उनका पुनर्निर्माण शुरू हो जाता है, जिसके और साथ में अरेखित पेशियों की संख्या में भी क्या होने लगती है, वृद्धि होती है। क्योंकि हमने बात की थी कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो यूट्रस के गर्भाशय के स्ट्रेटम फंक्शनलिस्ट जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम की, उसको वापस बनाना शुरू कर देता है। अब वो वापस बनेगी तो ब्लड वेसल्स भी वापस बनेगी, वहाँ पर जो उसकी 4 से 5 सेंटीमीटर मोटा लेयर बन जाती है एस्ट्रोजन के प्रभाव के कारण गर्भाशय में। इस दौरान अब जो रक्त का स्त्राव हो रहा था वो बंद हो जाता है 6 से 13 दिन के दौरान, तो उस रक्त स्त्राव बंद होने का रीजन यही है, एस्ट्रोजन हार्मोन। अब देखिएगा कि जैसे ही ये अपने पुटक प्रसारण अवस्था जो कि अंडाशय के अंदर मुख्यतः देखी जाती है, और आपको बताया था कि जो एक रज चक्र के दौरान अंडाशय के अंदर 6 से 13 या 7 से 14 लगभग जो है पुटक अगली अवस्थाओं में जाते हैं, परंतु ग्राफीन पुटक तक जो है वो केवल एक ही पहुंच पाता है, शेष पुटक नष्ट हो जाते हैं। तो जो पुटक नष्ट हुए हैं उनको एट्रेटिक पुटक कहा जाता है, और इस घटना को एट्रेशिया कहा जाता है। उसके बाद में अब देखिएगा अपने जो थर्ड स्टेज है इसकी, वो है ल्यूटियल स्टेज। कौन सी है? ल्यूटियल स्टेज। कौन सी स्टेज है? ल्यूटियल स्टेज। अब ल्यूटियल स्टेज जो है, सॉरी, थर्ड स्टेज जो है ल्यूटियल, क्या आप अपने ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग अवस्था, ओवुलेशन स्टेज, यानी इसको हम कहते हैं अंडोत्सर्ग अवस्था। अब देखिएगा स्टूडेंट, अंडोत्सर्ग अवस्था की यदि हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है ये, रज चक्र के 14वें दिन संपन्न होने वाली घटना है, 14वें दिन। क्योंकि अभी तक हमने घटना देखी है ऋतुस्राव अवस्था 1 से 5 दिन तक चलती है, पुट्टक प्रसारण अवस्था जो 6 से 13 दिन तक चलती है, और ये अवस्था ऐसी है जो फिक्स है, कौन से दिन से होती है, 14वें दिन। अब ये क्या चीज़ होती है ये थोड़ा सा आप देखिएगा, और इसका रीज़न क्या है, प्रीमोडल पुट्टक, प्राइमरी पुट्टक, वेजिकुलर पुट्टक, और ये क्या है, ग्राफीन फोलिकल। ये क्या है? ग्राफीन फोलिकल। क्योंकि मैंने बताया था कि ग्राफीन फोलिकल जो है वो अंतिम पुट्टक होता है, परिपक्व पुट्टक होता है, और ये जो परिपक्व पुट्टक होता है ये, इसकी खोज ग्राफी ने की थी, और ये 6 से 13 दिन तक बन जाता है। कौन से दिन बन जाता है? चक्र के 6 से 13 दिन तक बन जाता है। अब 6 से 13 दिन जैसे बनता है तो क्या होता है उस दौरान,
ये बता देता हूँ आपको कि इनपुटकों का बनने का रीज़न तो कौन सा हार्मोन है, एडिनोहाइपोफाइसिस का FSH, कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, FSH। अब जैसे ही 13वें दिन ये बन गया, बनते ही क्या होता है, जैसे 14वां दिन आता है तो 14वें दिन क्या होता है, एडिनोहाइपोफाइसिस जो होती है, एडिनोहाइपोफाइसिस जो है ये क्या करती है, LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्त्राव करती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है बनता है। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, देखिएगा थोड़ा सा इसको अपने समझने का प्रयास करते हैं। ये अपना ग्राफ इनपुटक है, यहाँ पर ये सेकेंडरी ओसाइट है जो अपने कल स्ट्रक्चर बनाई थी। अब जैसे ही ग्राफ इन फोलिकल बनता है तो फोलिकल बनेगा, 13 दिन तक बन जाएगा, 14 दिन जैसे ही आता है, 13 दिन से 14 दिन के दौरान LH हार्मोन उसकी सांद्रता बढ़नी शुरू हो जाती है, और बढ़ते बढ़ते 14 दिन उसकी सांद्रता अधिकतम हो जाती है। होती क्या होता है, सबसे पहले जो थीका एक्सटर्ना है, कौन सी थीका एक्सटर्ना, आपको बताया था थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। थीका जो इंटरना है वो तो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव कर रही है, और थीका एक्सटर्ना जो है वो इसको बाहर एक निश्चित शेप साइज प्रदान करती है, और साथ में थीका एक्सटर्ना के द्वारा क्या होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम स्त्रावित होता है। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, इस एरिया को गला देता है, इस क्षेत्र को गला देता है। अब प्रोटियोलाइटिक यानी प्रोटीन अपघटनकारी एंजाइम, अगर हिंदी में बोलें तो वो किसके द्वारा स्त्रावित होते हैं, ग्राफीन फोलिकल की थीका एक्सटर्ना के द्वारा। अब क्या होगा कि जैसे ही ये एंजाइम बनते ही क्या होगा कि ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के कारण जो ग्राफीन फोलिकल इसकी दीवार टूट जाती है, टूटते ही क्या होगा, यहाँ पर एक हार्मोन या एक केमिकल और मौजूद होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये वैसे सीमन या वीर्य के अंदर भी पाया जाता है, जो कि कर्माकुंचन उत्पन्न कर देता है एक प्रकार से। प्रोस्टाग्लैंडिन भी यहाँ पर बनता है अंडाशय के अंदर ही। तो ये क्या होता है कि यहाँ अंडाशय द्रव जितना भी होता है वो अंडाशय द्रव सारा क्या इस ग्राफीन फोलिकल के अंदर जाना शुरू हो जाता है। अब ग्राफीन फोलिकल के अंदर जैसे अंडाशय द्रव जाता है तो ग्राफीन फोलिकल का आकार निश्चित होता है, और अंडाशय द्रव बढ़ने से इसके ऊपर दाब लगता है, दाब लगते क्या होता है, एकदम ये ग्राफीन फोलिकल फट जाता है। फटते ही क्या होगा कि जो सेकेंडरी ओसाइट या ओवा है वो तो क्या निकल जाता है, बाहर निकलने के बाद में किधर हो जाएगा, ये है फेलोपियन ट्यूब। क्या है ये, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब है। तो ये सिस्टम होता है। तो 14वें दिन क्या घटना घट रही है, इसको वापस सुनिएगा, थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। 14वें दिन यानी अंडोत्सर्ग क्या है, पहली बात तो अपने ये करने जा रहे हैं, अंडोत्सर्ग क्या है, रज चक्र के चौदहवें दिन क्या होना, परिपक्व पुटक या जो ग्राफीन पुटक है उसका फटना, और उससे अंडे का या सेकेंडरी ओसाइट का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग, अंडे का एक तरह से उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब अंडे का अंडाशय से बाहर निकलना। कौन से दिन घटना हो रही है, 14वें दिन हो रही है। अब क्या देखिएगा, घटना क्या क्या घटी कि इस दौरान हार्मोन कौन सा जिम्मेदार होता है, क्योंकि अभी तक FSH जिम्मेदार था इसके बनने के लिए, ग्राफीन पुटक के फटने के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये भी किसके द्वारा स्त्रावित होता है, अगर पीयूष ग्रंथि के द्वारा। तो अगर पीयूष ग्रंथि के द्वारा जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनता है तो बनने से क्या होता है कि जो थीका एक्सटर्ना है ये क्या करती है, एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम यानी LH के प्रभाव के कारण थीका एक्सटर्ना जो है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का स्त्राव करती है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, ग्राफीन फोलिकल की दीवार को तोड़ देता है या उसको उसमें छिद्र कर देता है। अब क्या होगा कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के कारण छिद्र हो गया या ये दीवार टूट गई, टूटते क्या होता है कि जो अंडाशय द्रव जो अंडाशय में भरा होता है वो क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। किसके कारण, प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण। और प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण जो अंडाशय द्रव है वो इस पुटक में भरेगा, और पुटक में जैसे बढ़ता है तो पुटक जो है एकदम तेजी से फट जाता है। फटते ही अंडा अंडाशय से क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, या सेकेंडरी ओसाइट कह सकते हैं, मनुष्य के संदर्भ में निकल गया। निकलने के बाद में आगे ये फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है, तो फेलोपियन ट्यूब में चला गया तो ये घटना क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग अवस्था कहलाती है। तो ये ही अंडोत्सर्ग है। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसको मैं थोड़ा लिख कर बता देता हूँ आपको, ताकि आपको नोट्स बनाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन रज चक्र के मेंस्ट्रुअल साइकिल के चक्र के 14वें दिन संपन्न होने वाली घटना है। 14वें दिन संपन्न होने वाली घटना है, पहली बात तो ये। हार्मोन कौन सा है अंडोत्सर्ग, अच्छा
एक बात मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो रथ चक्र में वन वर्ड में पूछा जाता है, यानी एक नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है या डेढ़ नंबर में जो पूछा जाता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसी की ओवुलेशन की, क्योंकि एक तो फिक्स है ये 14वें दिन होता है, इसकी परिभाषा पूछी जाती है। ये घटना एडिनो हाइपोफाइसिस के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से होती है। क्या होती है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से होती है। एलएच हार्मोन की सांद्रता 14वें दिन बढ़ जाती है, जिससे थीका की व्याधिवार जो बाहर की होती है, उसको क्या कहा जाता है? थीका एक्सटर्ना के द्वारा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बनता है, जो कि ग्राफीन फोलिकल की दीवार को अपघटित कर देता है तथा प्रोस्टाग्लैंडिन अंडाशय द्रव को कुट्टक ग्राफीन फोलिकल में भर देता है, जिससे ग्राफीन फोलिकल फट जाता है और सेकेंडरी ऊसाइट या ओवा बाहर ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब की ओर चला जाता है, ओविडक्ट की फनल की ओर चला जाता है। ये घटना क्या कहलाती है? अंडोसर्ग कहलाती है। अब देखिएगा कि अब फेलोपियन ट्यूब में जा रहे हैं तो उससे उसके पहले क्या होगा कि जो फेलोपियन ट्यूब है वो तैयार होगी। क्यों तैयार होगी? क्योंकि फेलोपियन ट्यूब जो है वो एस्ट्रोजन जो अपना हार्मोन था उस एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव के कारण क्या पहले से तैयार रहती है, तो एस्ट्रोजन के प्रभाव के कारण वो तैयार रहेगी। तो तैयार जैसे ही रहती है तो अब वह क्या क्यों तैयार है? क्योंकि आगे जाकर कौन सी घटना होनी होती है? निषेचन की घटना होनी होती है। तो अब देखिएगा स्टूडेंट, ये घटना क्या कहलाती है? ओवुलेशन या अंडोसर्ग कहलाती है, जो कि फिक्स है 14वें दिन। यहाँ पर सिर्फ अपने एक हार्मोन को डिस्कस किया है, कौन सा हार्मोन? एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब देखिएगा साथ में एस्ट्रोजन हार्मोन बन रहा है, ऐसा नहीं कि एस्ट्रोजन नहीं बन रहा है, क्योंकि अब यहाँ जो फोलिकुलर सेल्स हैं वो भी क्या है? मौजूद है। तो ये घटना क्या कहलाती है? अंडोसर्ग या ओवुलेशन कहलाती है। अब जो अपनी नेक्स्ट घटना है वो घटना कौन सी है? अपनी ल्यूटील प्रावस्था या कह सकते हैं सिक्रेटरी सेल्स, क्या कहलाती है? ल्यूटील प्रावस्था या सिक्रेटरी सेल्स स्टेज, ल्यूटील प्रावस्था या सिक्रेटरी स्टेज। अब देखिएगा नाम से क्लियर हो रहा है ल्यूटील प्रावस्था, हमने ओस्टर साइकिल के अंदर भी पढ़ा था कि ल्यूटील प्रावस्था का मतलब क्या? कार्पस ल्यूटियम का बनना। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कार्पस ल्यूटियम एक ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड ही है जो कि ग्लैंड के अंदर स्थित होती है, क्योंकि ओवरी खुद है। थोड़ा ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी मैं बात बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ओवरी खुद ग्लैंड है जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव करती है, और ओवरी के अंदर यानी खुद ओवरी एंडोक्राइन ग्लैंड, उसके अंदर भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड स्थित होती है जिसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम को साइक्लिक ग्लैंड कहा जाता है, साइक्लिक एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हर चक्र के दौरान बनती है, जैसे मनुष्य के अंदर ये 15वें से 28वें दिन बनती है, और बनने के बाद में अगर निषेचन हो जाता है तो ये 9 महीने तक बनी रहेगी, अगर निषेचन नहीं होता है तो वापस ये 28वें दिन के दौरान दोबारा बनती है। तो कहने का मतलब हर 28 दिन के बाद ये बनती है, डिस्टर्ब होती है, फिर बनती है, इसलिए इसको साइक्लिक ऑर्गन या साइक्लिक ग्लैंड कहा गया। और ग्रंथि क्यों कहा गया? क्योंकि ये खुद एक हार्मोन का स्त्राव करती है जिसको हमने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो निर्माण है एक्चुअली किसके द्वारा होता है? कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। तो फोर्थ स्टेज कौन सी? अपनी ल्यूटियल स्टेज या सेक्रेटरी स्टेज। अब ल्यूटियल स्टेज की यदि हम बात करें तो इसमें कोई बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि किसका निर्माण होगा, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है।
और कार्पस ल्यूटियम का जो निर्माण होता है, तो ये कार्पस ल्यूटियम क्या है ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि कार्पस ल्यूटियम जो है ये कैसे बनती है। इसको थोड़ा सा अपने डायग्राम से देखें, ये फॉलिकल हो गया प्रीमोडियल, ये प्राइमरी, ये वेजिकुलर, ये ग्राफियन फॉलिकल हो गया, ये रैप्चर हो गया। रैप्चर का मतलब होता है टूटना, टूट गया। टूटते क्या होगा, कौन से हार्मोन, ये किस हार्मोन के प्रभाव के कारण हो रहा है, FSH। टूटा क्यों, LH के कारण, ये भी अपने पढ़ के हैं। ये सेकेंडरी ऊसाइट, अब देखिएगा ये फेलोपियन ट्यूब है, ये क्या है फेलोपियन ट्यूब। रैप्चर हो गया, 14वें दिन घटना हुई, कौन से दिन हुई है, 14वें दिन हुई है घटना। अब क्या होगा कि जैसे टूटा तो ये टूटी हुई फोलिकुलर सेल्स होती हैं, ये कौन सी है फोलिकुलर सेल्स। इन फोलिकुलर सेल्स जो टूटने के बाद में, यानी ग्राफिन पुटक 14वें दिन फट जाएगा, फटते ही, अब ग्राफिन पुटक आपको पता ही है फोलिकुलर सेल्स का बना होता है, यानी पुटक कोशिकाओं का ही बना होता है, तो पुटक कोशिकाओं का बना होता है। अब ये पुटक कोशिका क्या करती है, सेकेंडरी ऊसाइट या ओवा को तो मुक्त कर देती है, सेकेंडरी ऊसाइट या ओवा को तो क्या कर देती है, ये मुक्त कर देती है, मुक्त कर दिया कहाँ, अंडाशय से बाहर। अब जो पुटक कोशिकाएं बची थी वो पुटक कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती है, इकट्ठी होकर के उनके अंदर पहले ये रक्त का इसके अंदर प्रवाह होता है, तो रक्त का प्रवाह होता है इसलिए रेडिश कलर की दिखाई देती है, नहीं हीमोग्लोबिन इसमें दिखाई देता है, इसलिए इसको कहते हैं कार्पस हीमोरेजिकम, हीमोरेजिकम क्या कहा जाता है इसको, कार्पस हीमोरेजिकम। तो कार्पस हीमोरेजिकम क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि ग्राफिन फोलिकल के फटने के पश्चात में सेकेंडरी ऊसाइट अंडाशय से बाहर मुक्त हो जाता है, तो ग्राफिन फोलिकल की जो बची हुई पुटक कोशिकाएं हैं वो इकट्ठी हो जाती है, उनका आकार बड़ा हो जाता है, और आकार बड़ा होने के बाद में उनके अंदर हीमोग्लोबिन अपने को दिखाई देता है, यानी वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग की दिखाई दे रही है, इसलिए संरचना को कहते हैं कार्पस हीमोरेजिकम। अब क्या होगा कि कार्पस हीमोरेजिकम बन गई, या यूं कह दें कि कार्पस हीमोरेजिकम क्या है वास्तव में, ग्राफिन पुटक की फटी हुई या टूटी हुई फोलिकुलर सेल्स है, पुटक कोशिकाएं हैं। अब क्या होता है अगली अवस्था में कि ये जो सेल्स होती हैं, अब इसके अंदर क्या होता है कि पीली वसा की छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी होने लगती है, क्या इकट्ठी होने लगती है, पीली छोटी छोटी वसा की बूंदें इकट्ठी होने लगती है इस प्रकार से, तो इनको वसा की इन छोटी बूंदों को क्या कहा जाता है, ल्यूटीन कहा जाता है, क्या कहा जाता है ल्यूटीन, और ल्यूटीन युक्त जो पुटक कोशिकाएं हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, कार्पस ल्यूटियम, क्या कहा जाता है कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। तो कार्पस ल्यूटियम एक्चुअल में क्या है कि कार्पस हीमोरेजिकम की जो पुटक कोशिकाएं हैं उनके अंदर छोटी छोटी येलोइश कलर की जो फैट सेल्स हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, और इकट्ठा होने के बाद में क्या होता है, जो बनी संरचना है उसको क्या कहा जाता है, कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम का बनना ही कौन से स्टेज कहलाती है, ल्यूटियल स्टेज। और ये अब चूंकि 14वें दिन तो अपने अंडोत्सर्ग हो चुका है, तो ये अवस्था कौन से दिन तक होती है, 15वें से 28वें दिन तक ये स्टेज रहती है, कौन सी, ल्यूटियल स्टेज। तो ल्यूटियम यानी कार्पस ल्यूटियम की बात हो रही है, तो चूंकि कार्पस ल्यूटियम सिक्रेटरी स्टेज नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम जैसे ही बनती है, अब एक बात प्रश्न आता है कि कार्पस ल्यूटियम के बनने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो LH हार्मोन जिम्मेदार है। LH हार्मोन बना रहेगा तो कार्पस ल्यूटियम भी बनी रहेगी, और कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी तो इसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपको पता है, मैंने कार्य बताए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। ये हार्मोन क्या करता है कि गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम उसको आरोपण के लिए तैयार करता है, इसको लिए तैयार करता है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम को आरोपण के लिए तैयार करता है। इसके अंदर जो गर्भाशय के अंदर देखो एस्ट्रोजन ने तो क्या किया था, उपकला कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी कर दी थी, और ये हार्मोन क्या करता है वहाँ पर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ा देता है। उसके अलावा गर्भाशय के अंदर जो ग्लैंड्स हैं उनका भी अधिक विकास कर देता है। और साथ में देखिएगा कि जो गर्भाशय के अंदर जब एस्ट्रोजन बनता है तो एस्ट्रोजन तो क्या करता है, गर्भाशय की अरेखित जो पेशियां उनके अंदर कर्माकुंचन बढ़ाता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है उस कर्माकुंचन को रोक देता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि गर्भाशय में ये जहाँ जो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बन रहा है ये क्या क्या काम कर रहा है, एक तो गर्भाशय जो है उसके आरोपण के लिए तैयार करता है, आरोपण का मतलब होता है कि भ्रूण का
गर्भाशय में जाकर दर्शना क्या कहलाता है, आरोपण कहलाता है। तो आरोपण के लिए तैयार करेगा। दूसरी घटना क्या है, गर्भाशय के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन का इंपॉर्टेंस आगे प्लेसेंटा निर्माण में होती है। तीसरा काम क्या करता है कि जो गर्भाशय के अंदर जो है ग्लाइकोजन और जो वसा है उसके लेवल को भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। चौथा काम क्या कर देता है कि गर्भाशय के अंदर जो ग्रंथियाँ होती हैं उनकी संख्या में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करता है, ये जो गर्भाशय की अरेखित पेशियाँ हैं उनके अंदर ये संदमन कर देता है या उनके कर्माकुंचन को रोक देता है, ताकि गर्भाशय पूर्णतया आरोपण के लिए तैयार हो सके। तो ये स्टेज क्या कहलाती है, ल्यूटियल स्टेज कहलाती है, या यूँ कह सकते हैं कार्पस ल्यूटियम स्टेज कहलाती है। अब देखिएगा स्टूडेंट कि अब दो कंडीशन है यहाँ पर कि कार्पस ल्यूटियम बनी रहे या नहीं बनी रहे। क्यों, अगर नहीं बनी रहेगी तो हमने बात की थी कि मेंसुरल साइकिल एक चक्कर के रूप में चलती है, तो चक्कर के रूप में चलेगी तो उससे क्या होगा कि फोर्थ स्टेज के बाद में कौन सी स्टेज आ जाती है, फर्स्ट स्टेज आती है। तो इसका मतलब क्या है कि अब दो स्टेज है। क्या, ध्यान से सुनिएगा कि जैसे ये अंडवाहिनी है, ये अंडा है, अंडा अंडवाहिनी के अंदर घुस गया। अब यदि यहाँ पर निषेचन हो जाता है, अंडवाहिनी के अंदर निषेचन हो जाता है, तो कार्पस ल्यूटियम 9 महीने तक बनी रहती है। पहली कंडीशन मैंने क्या बताई है कि यदि अंडा अंडवाहिनी में चला गया और अंडवाहिनी में जाकर के शुक्राणु के साथ निषेचन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम कितने महीने रहेगी, 9 महीने बनी रहेगी। तो 9 महीने बनी रहेगी तो कार्पस ल्यूटियम का काम क्या है, क्योंकि मैंने एक बात बताई थी कि जो इसका जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, गर्भावस्था हार्मोन कहते हैं, क्योंकि जो कार्पस ल्यूटियम में ये क्या करती है कि इसका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो गर्भावस्था को बनाए रखता है। गर्भावस्था को बनाए रखने का मतलब ये प्लेसेंटा निर्माण को प्रेरित करता है, साथ में वहाँ पर वसा का लेवल को बढ़ा देता है, गर्भाशय की जो पेशियाँ होती है उसमें जो कर्माकुंचन है उनको रोक देता है। तो 9 महीने तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल तो ज़्यादा रहता है, एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा सा क्या रहता है, कम रहता है। उसके बाद में पहली कंडीशन तो ये है कि अगर निषेचन हो गया तो 9 महीने बनी रहेगी। अब यदि मान लीजिएगा निषेचन नहीं होता है यहाँ पर, यदि महिला आएगा तो निषेचन नहीं होगा तो क्या होता है कि कार्पस ल्यूटियम जो है वो 28वें दिन क्या होती है, अंत में जाकर के टूट जाती है, नष्ट हो जाती है। नष्ट होने के बाद में संरचना कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाती है, और कार्पस एल्बिकेंस बनती है तो बनते ही प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। और डाउन होते ही आपको पता है, मैंने बताया था कौन सी अवस्था जाती है, ऋतुस्राव अवस्था या रक्त स्राव अवस्था, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा था कि ऋतुस्राव अवस्था या रक्त स्राव अवस्था है उसका होने का कारण क्या है, वो मैंने बताया था, उसके होने का कारण क्या, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाना, डाउन हो जाना। तो वो डाउन क्यों हुआ आपको पता लग गया होगा कि अगर निषेचन नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाएगी, और कार्पस एल्बिकेंस जैसे ही बनती है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, नया रथ चक्कर या नया मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। तो ल्यूटियल स्टेज की हम थोड़ा सा अगर लिख करके बात करें, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, ये पहली कंडीशन क्या है, इस अवस्था में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, ल्यूटियम का निर्माण होता है। दूसरी कंडीशन क्या है, कार्पस ल्यूटियम के बने रहने के लिए LH हार्मोन का होना आवश्यक है, होना आवश्यक है। तीसरी कंडीशन क्या है, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय को आरोपण के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की पेशियों में संकुचन को रोकता है। गर्भाशय में ग्रंथियों ग्लाइकोजन व
वसा के संचय को प्रेरित करता है, संचय को प्रेरित करता है, वसा के संचय को क्या करता है, प्रेरित करता है, ग्रंथियों की संख्या को भी बढ़ाता है। यदि निषेचन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम 9 महीने बनी रहती है, और यदि निषेचन नहीं होता है तो कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाती है, जिससे एस्ट्रोजन व प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल डाउन हो जाता है और नया रक्त चक्कर प्रारंभ हो जाता है। तो ये ही क्या है, ल्यूटियल स्टेज या सेक्रेटरी स्टेज है। तो ये आज अपना स्टूडेंट जो है रक्त चक्र कंप्लीट होता है। थैंक यू।